यार ये चेक करो भाई, 3000 101 रुपए का हम लोग ने फिलअप कराया हमारे ग्रुप में, देख लो। तो भाई हम लोग रुक रुक के जा रहे हैं, कभी इनके वजह से रुकना पड़ रहा है, कभी इनके को। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि आज से हम लोगों का जो काशी का ट्रैवल है, सफ़र है, वो चालू होने वाला है। और लिटरली यार हम लोग फिर से लेट हो गए हैं, तो मैं चाहता हूँ लेट नहीं करता। ये देखो मेरे बैग ऑलरेडी पैक करके रखा हुआ है, तो अब सीधा निकलते हैं यार, भैया के घर चलता हूँ। उनको जब तक नहीं बोलूँगा ना, वो नहीं निकलेंगे, मेरे को अच्छे से पता है। तो भैया लोग आ चुके हैं, तो चलते हैं। बहुत लेट हो चुके हैं ऑलरेडी, 10:30 हो चुका है। और मैं आप लोगों को कुछ भूखे भेड़ियों को दिखाऊंगा, थोड़ा सा रोटी है, सबके सब टूट पड़े हैं। ठीक है, चलते हैं इसके बाद जल्दी आगे। निकल रहे हैं घर से और अभी हम लोग का सामान पैक कर रहे हैं भाई। लेकिन ये कुछ अलग नहीं लग रहा, ब्लैक येलो रेड। मैया कितना किलोमीटर है भाई? 4.5। 6.5 अभी हम लोग पहुंच चुके हैं बाकी। और ये हम लोग का पहला फ्यूल अप था और हम लोग अभी टैंक फुल कराने वाले हैं, फिर इसके बाद सीधे बनारस में करेंगे टैंक दोबारा फुल। उतना तक तो चल ही जाने वाला है गाइस। 3001 रुपए का हम लोग ने फिलअप कराया और अभी टंकी फुल हो चुका है, तो इस पहले फिलअप के बाद आगे चलते हैं। तो यार सफ़र में आगे जाने से पहले आप लोगों को पता है ना, कुछ कुछ बेसिक चीज़ कराना पड़ता है। ये इसमें से एक बेसिक चीज़ है, हवा डलवा रहे हैं, क्योंकि मुझे लगा ना चल रहा था तो थोड़ा कम है करके। तो फिर अब इसके बाद तो रुकने का कोई अभी कोई मूड भी नहीं है, इसके बाद डायरेक्ट निकलेंगे यार मैहर के लिए, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो गए हम लोग। तो चलते हैं फिर। हमारे ग्रुप में ना ये आदमी को देख लो, ये भले फौजी है लेकिन भाई क्या बताऊं, सोच नहीं, पूरा कोलकाता का वो मैनेजर है भाई, इतना वाहियात बात कर देते हैं कभी कभी ना भाई, हंसी में सब के। तो भाई हम लोग रुक रुक के जा रहे हैं, कभी इनके वजह से रुकना पड़ रहा है, कभी भैया की वजह से और कभी मेरे वजह से। अभी फिलहाल तो मेडिसिन के लिए रुके हुए हैं, क्योंकि यार थोड़ा सा मेरे को हेडेक हो रहा था। ये देखो यार, यहाँ से घाटी चालू हो गए हैं, और जैसे घाटी चालू होता है ना भाई, गाड़ी के साथ साथ ना हमारा ही हालत खराब हो जाता है, गोल गोल घूमते रहो। तो ये चेक करें गाइस, अभी हम लोग पहुंच चुके हैं यार पेंड्रा, ये हमारी गाड़ी। और ये रहा जो था यार, इसी से काम चलाना पड़ेगा, क्योंकि और आगे भी नहीं है, भूख भी लग रहा है, और पीछे तो था ही नहीं, तो चलो इसी में काम चला लेते हैं। तो ये चेक करें यार, अभी हम लोग पहुंच चुके थे पेंड्रा और यहाँ हम लोग खाना खा रहे हैं। देखो भाई कभी कभी ना यार ऐसे जगह में भी काम चलाना पड़ता है जहाँ हम लोग कभी खाते नहीं है, बट यार ऐसे तो बड़े वीआईपी है नहीं, तो ये देखो खाली था। भैया एक बार लोगे? तो गाइस ये चेक करें, अभी हम लोग थे पेंड्रा में, और यार ये छोटा सा है भोजनालय। जाने से पहले मेरे को छोटा लगा था, लेकिन भाई खाने का जो क्वालिटी है ना बहुत अच्छा, जो चावल आप देखते ना, सब्जी देखते, सब चीज़ एक नंबर था यार, अच्छा लगा मेरे को। ये भी हम लोग यहाँ कुछ सामान ले रहे हैं, और लेट तो हम लोग इतना हो गया ना भाई, मैहर का जो अपना टारगेट था 7:30 बजे तक, अब वो पॉसिबल नहीं लग रहा है। ये अब जाके फाइनली अब हम लोग वापस निकल रहे हैं यहाँ से, इतना मस्ती किए हैं ना भैया की, इतना लिए हैं भाई, कह कह के मैं क्या ही बोलूं यार। मैं आप लोगों को ना एक ट्विस्ट जो आया था अभी निकलने से पहले, वो मैं बताया नहीं कि हमारे ग्रुप में भैया एक और ऐड हो चुके थे, बिट्टू भैया। मैं अब हम लोग कैसे जा रहे हैं वो देखो, कंजेस्टेड होके, बट जैसा भी है जाना तो बनता है। ये चेक करो भाई क्या बज रहे हैं गाने में, क्या मजा आ रहा है। सुबह है हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके तो रबा है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी है।
तो फाइनली भाई हम लोग एंटर कर चुके हैं एमपी में, और शहडोल यहाँ से अप्रोक्स 55 किलोमीटर बचा हुआ है। और मैंने यार ड्रेस चेंज कर लिया, बिकॉज इतना गर्मी लग रहा है ना भाई, क्या बोलूँ। और सारे अभी हम लोग सब ड्रेस चेंज ही कर रहे हैं भाई, मैं दिखा नहीं सकता। बीच बीच में ऐसे रेस्ट लेने के बाद आगे चलेंगे, तो चलते हैं फिर अब आगे। सो चेक करें यार, हम लोग पहुँच चुके हैं अनूपपुर। ये देखो यार, शहडोल से पहले है ये हमारा वैसे पहला टोल गेट था, और अभी हम लोग यहाँ पे चाय पीने के लिए रुके हुए हैं। चाय वगैरह बनवाते हैं, पीते हैं यार, थोड़ा मूड फ्रेश करते हैं। इतने अच्छा कार की हमने ये लगा के पूरे वॉट लगा दी है भाई। जैसे अभी मैं आप लोगों को दिखाया था, हम लोग शहडोल से पहले जो टोल प्लाजा पहुँचे थे, तो कभी नहीं पता भाई ये बंदे का ना, हम लोग इतना इंसल्ट करते हैं, कभी ये बंदा कभी तो काम आ जाता चेहरा देखो। बट इसका ये कुछ ऐसे पोस्ट में है कि ना भाई, इसका ये जो है ना कार्ड एक बार दिखाए टोल प्लाजा में। मैं आप लोगों को सॉरी यार वीडियो नहीं दिखा पाया, क्योंकि फोन मेरे नीचे रखा हुआ था। एक बार में भाई गाड़ी आगे चलेगी भाई। मैंने ना इंस्टा 360 चला के बहुत अच्छा काम किया है, थैंक यू वागिस भैया। मतलब ना आप, मैं आपको कुछ बता नहीं सकता, क्योंकि अब मुझे ऐसा लग रहा ना भाई कि मैं अब तक इसको लिया क्यों नहीं, इतना बेहतरीन शॉट आ रहा है ना भाई। अभी हम लोग रुके हुए हैं, जब आप लोग व्लॉग चेक करेंगे ना तो आप लोग देखना यार, जो मतलब ना इनक्रेडिबल वाला सीन है अभी, बेहतरीन। तो यार आप लोगों को मैं ये बताना चाहूँगा भाई, 8 बजने को हो गए और ना रास्ता इतना भाई टर्निंग है, हम लोग क्या बताए। मुझे तो डाउट हो रहा है हम लोग मैहर के बंद होने के टाइम पहले पहले पहुँच पाएंगे अभी नहीं, और ना भाई लिटरली अगर ना बंद हो जाएगा ना दिल से बुरा लगेगा। बट रुकूंगा ज़रूर, 6 को खुलेगा सुबह, कवर करेंगे लेकिन करेंगे ज़रूर। अभी हम लोग पहुँच चुके हैं बरी, और यहाँ पर अभी हम लोग थोड़ा सा फुल्की खाने वाले हैं, क्योंकि ना भाई इतना मूड ऑफ है सब कोई का, फ्रस्ट्रेट हो गए हैं भाई। रास्ता इतना मतलब अच्छा भी बोलूँ या ख़राब बोलूँ नहीं पता, बट बिट्टी भाई को वॉमिट हो गया, मेरे को वॉमिट हो गया, सबका ना भाई हालत ख़राब है। तो फिलहाल तो अभी यहाँ पे पहले खा लेते हैं फुल्की, जब तक ये लोग गुपचुप खाते हैं यार मैं ढूंढता हूँ अपने लिए छाछ, क्योंकि मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा गर्मी और मुझे चाहिए छाछ। तो थोड़ा देखते हैं अगर मिल जाए छाछ तो। मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि हमारे साथ एक डायनासोर का चमड़ी भी ट्रैवल कर रहा है, इस बंदे को देख लो। ये साला केदारनाथ भी गया तब भी इसको कुछ फर्क नहीं पड़ा, यहाँ आया है तब भी अभी तक हिला भी नहीं है, और मेरे को देखो एक बार वॉमिट हो गया, भैया को हो गया, इनका होने वाला है। और यार मैं बायलर हूँ ना, हम लोग बायलर हैं, और ये देसी बॉय ओरिजिनल ब्रांड कड़कनाथ खून भी काला है इसका। ये देखो अब अपने प्लाटून फिर से चलने लगी, अब अपन जाने वाले हैं अपने कार के पास, और वहाँ पर भाई को खाना है कुल्फी। तो देखो भाई को आखिर कुल्फी खाना ही था, ये नहीं ना कि रुक जाऊँ, उसको कुल्फी खानी है तो खानी है, तो ठीक है खाते हैं पहले कुल्फी। हमारे ग्रुप में ना नेक्स्ट लेवल का फनी बंदा है, अभी वो ये क्वेश्चन किया कि भाई अभी मेरे को कुछ इंपॉर्टेंट करना है, तो भाई पूछा क्या करना है, तो बोलता है वॉशरूम जाना है, और यह अभी गया हुआ है वॉशरूम करने। आने दो उसको, आपको उसका चेहरा दिखाने वाला हूँ मैं, ठीक है तब तक। वो देखो देखो आ गया आ गया, आने दो आने दो, इसको ये भी नहीं पता ना मैं इसका क्या वीडियो बना रहा हूँ। भैया हाय करो ना, हाय करो ना, ठीक देखो देखो कुल्फी बेच रहे हैं यार। एक बैड न्यूज़ के साथ भाई एक अपडेट देना चाहेगा, बैड न्यूज़ भी बोल सकता हूँ या फिर चलो यार, हम लोग ने ना गलती किया, कवर करने का ट्राई तो किया और थोड़ा डिले भी हो गया था निकलने में। तो हम लोग का ऐसा सीन था अभी कि हम लोगों को अभी मैहर पहुँच जाना था 7:30 तक, बट यार वो हो नहीं पाया। तो भाई बंद है यार, अब जाते तक अपन बंद हो जाएगा, तो हम लोग ये सोच रहे हैं कि 6 बजे तक वेट कर लेते हैं सुबह, क्योंकि आए हैं तो दर्शन करके जाएंगे मैहर में ही आसपास में, देखते हैं रूम लेंगे। फिलहाल तो अभी जाएंगे फ्लो ही जाएंगे, अभी तक कवर करने की कोशिश करेंगे, बट अब लॉजिक भी बनता कि थोड़ा स्पीड चले, तो चलते हैं अब सीधा मैहर में, सुबह दर्शन करेंगे। फिर अब अपन थोड़ा डिले हो गए हैं, देख सकते हैं यार फाइनली अब हम लोग पहुँच चुके हैं मैहर, एंटर कर चुके हैं, अब जाके कहीं अच्छा लग रहा है यार। तो देखते हैं, आज तो वैसे बंद हो चुका है मंदिर जो है, तो कल सुबह ही अब दर्शन हो पाएगा। तो फिलहाल तो अभी होटल वगैरह चेक करते हैं जहाँ पे मिल जाए। ये चेक करो यार, अभी हम लोग पहुँच गए हैं मैहर। तो अभी हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं रेलवे स्टेशन के पास, और माता जी का जो मंदिर है वो अभी बंद हो चुका है, और हम लोग यहाँ पे नियरेस्ट में जो भी होटल अगर मिलता है तो वहाँ पर अपन आज नाइट स्टे करेंगे यार, क्योंकि काफ़ी सबके सब थके हुए हैं, मैं ही नहीं सबके सब थके हुए हैं। तो अभी थोड़ा सा चाय वगैरह पीते हैं। होटल था और पिछले बार भाई आया था ना तो यहाँ रुका हुआ था,
तो अभी फिर से अपन यही होटल में रहने का सोच रहे हैं, तो देखते हैं अगर कुछ रूम हो। और ये एक्चुअल में सीन ऐसा हो रहा है, ये वाला रूम नीचे है और हम लोगों को दोनों रूम ऊपर नीचे चाहिए, तो फिर ऊपर जा रहे हैं और देखते हैं ऊपर वाला रूम का क्या सीन है। देख लेते हैं, एक ये रूम था भाई। एमपी में यार जैसा प्राइस है 1200 रुपये की, ये अकॉर्डिंग आपको क्या ये सही लग रहे हैं? बट क्या करे यार, मरता क्या ना करता। एक ही वाले भी रूम रहेगा, चेक कर लेते हैं उसको भी। तो यार हमने ये वाले दोनों रूम को फाइनल कर दिया है, तो ये ऊपर से चेक करें मैहर का सीन। और यार जस्ट बगल में ही रेलवे स्टेशन है। ये देखो हमारी गाड़ी क्या है, अभी पार्किंग हो रही है, फिर इसके बाद अभी हम लोग रूम में जाएंगे यार, फ्रेश होंगे। और ये रहा होटल दीप प्लेस करके, भैया का ना एक भाई भयंकर बंदे हैं भैया, ऐसा मतलब बोल देते हैं ना भैया, इसको देख के आपको क्या बोले आप? ये अपना दोस्त साथ जो शोभू आया ना, फिलहाल अभी हम लोग बिल पे कर रहे थे, तो बिल पे करते हैं पहले, तो फाइनल हो गया है और भैया जी हम लोग को रूम लेके जा रहे हैं। अभी हम लोग अपना सारा लगेज लेके ऊपर जा रहे हैं अपने रूम के साइड। और ये बताना चाहूँगा, ये मेरा सीन देखो, ये देखो भाई पूरा बैग सामान। और ना बहुत ज़्यादा ठंडा हूँ यार, सच बताऊँ तो क्या बोलूँ। चलते हैं फिलहाल, तो अभी आप लोगों को कुछ चीज़ दिखाना चाहता हूँ। ये भी दादा इसको मेरे को दे के गए हैं, हमें देखो यार भाई, तब तक तो मेरा पानी का प्यास ही बुझ जाएगा यार। कुछ भी कुछ अच्छा मैनेजमेंट रखो भाई, ये क्या रूम भी सड़ा सा, ये भी सड़ा सा, बिल्कुल मत आना इस होटल मेरे साइड से, तो मैं बोलूँगा मत आना भाई। अब आप बाकी अपना देख सकते। ये देखो यार रात के बज रहे हैं अप्रोक्स 1 और हम लोग अभी सोने वाले थे, और मैंने जैसे लाइट ऑफ किया ना, मैं आप लोगों को चेक कराना चाहूँगा भाई। फिलहाल यार ये वाला ब्लॉग भाई यही एंड करेगा, और इसका नेक्स्ट एपिसोड आप लोगों को कल से देखने को मिलेगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वीडियो ज़्यादा लंबा करूँ, आप लोग बहुत ज़्यादा स्किप करते हैं, तो यहाँ पे एंड करते हैं। मिलते हैं कल सीधे मैहर के मंदिर में, माता के दर्शन के पास।